नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बिल्कुल ईजी हैं, एग्जाम में आते हैं अक्सर, तो आइए हम इसको करना शुरू कर देते हैं। देखिए बच्चों, लिखा जीरो हैज रेसिप्रोकल। अब जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? जीरो का रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता, तो हम लिख देंगे जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं जीरो लिखता हूँ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल मान लीजिए जीरो के नीचे ये रेशनल नंबर हो गया, वन हो गया। अब अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो गया, तो लेकिन ये कोई नंबर नहीं बनता है, ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, आइए हम करते हैं आगे। द नंबर्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में ध्यान कीजिए, जो टेंथ में किया था, ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं, ऐसे नंबर बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल स्वयं वही होते हैं। जी हाँ, वो एक तो होता है वन और दूसरा होता है -1। ठीक है बच्चों, ये इनका रेसिप्रोकल स्वयं यही नंबर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? बिल्कुल ठीक मैंने कहा, आप इसको इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ऊपर आ जाएगा, -1/5। ठीक है बच्चों, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इधर -1/5। ठीक है, ये लाइन से कट गया, कभी थोड़ा कंफ्यूज आ जाए हो जाए कि ये लाइन से कटा हुआ, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज इक्वल नॉट जीरो, यानी x इज को जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका सीधा उल्टा लिख दीजिए, इसका रेसिप्रोकल होगा x। ठीक है बच्चों, आप इसके नीचे हमेशा 1 आएगा, जीरो नहीं लिखनी है, 1 आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आप आगे देख चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, अब किसी टू रेशनल नंबर है, अब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर में ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आइए लास्ट में पढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अब कोई भी पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसमें हम पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये हो गए, छोटे से क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो बच्चों इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।